बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वुमन इन द विंडो। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर एना फॉक्स है। देखने से ऐसा लग रहा है कि एना अपने घर में अकेली रहती है, जबकि एना के परिवार में उसकी एक बेटी और उसका हस्बैंड भी है जिनसे वो रेगुलरली फोन के थ्रू टच में रहती है। ये फैमिली देखने में बिल्कुल नॉर्मल फैमिली लगती है। एना की हालत और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पड़ोसियों से काफी प्रभावित रहती है, मतलब कि उसको सब पता रहता है कि सामने वाले घर में कौन आया, वो घर कितने में बिका या फिर उस घर के लोग क्या काम करते हैं। जिसके बाद हम एना को एक थेरेपी सेशन में देखते हैं जहां हमको ये मालूम होता है कि एना एक्चुअली में डिप्रेशन की पेशेंट है जिसके डॉक्टर का नाम काल है। एना सालों से अपने घर से नहीं निकली है जो कि उसके डिप्रेशन का कारण है, और सिर्फ इसी वजह से वो एक अल्कोहलिक यानी कि ड्रिंकर बनती जा रही है जिसका रोज का काम सिर्फ शराब पीना और अपने सामने वाले लोगों को ऑब्जर्व करना है। अब रोज की ही तरह वो ऐसे ही अपनी विंडो के पास बैठकर अपने पड़ोसियों को देख रही होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो गेट पर लगे माइक से बिना दरवाजे को खोले पूछती है कि कौन है, जिस पर सामने से एक आवाज आती है जो कि एक लड़के की आवाज है। वो बोलता है कि मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरी मॉम ने आपके लिए कुछ चीजें भेजी है। एना बोलती है कि सॉरी लेकिन मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, जिस पर वो लड़का बोलता है कि तो मैं इसका क्या करूं? सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए एना को गेट खोलना पड़ता है। वो लड़का इथन है जो सड़क के उस पार रहता है। इथन एना के घर के अंदर आ जाता है जहां एना और इथन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि एना और उसका हस्बैंड अलग हो चुके हैं और इसीलिए वो इस पूरे घर में अकेली रहती है। एना इथन को ये भी बताती है कि वो बच्चों की साइकोलॉजिस्ट है, जिसके बाद इथन एना को बोलता है कि आपके विंडो से तो मेरा पूरा रूम दिखता है, जिसमें हम इथन के फादर को देखते हैं, जिनको देखकर इथन थोड़ा सा सहम जाता है, मानो जैसे वो अपने पापा को देखकर डर रहा हो। एना इथन के फेस पर डर को नोटिस कर लेती है और उसको इजी फील कराने के लिए एना इथन से दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद इथन कुछ मूवीज के कैसेट्स को लेकर वहां से चला जाता है। एना का घर काफी वियर्ड है यानी कि काफी अजीब, जहां पर उसका एक किरायेदार भी रहता है जिसका नाम डेविड है, जो एना को बोलता है कि आज हेलोवीन की रात है और तुमको कम से कम आज तो बाहर जाना चाहिए, जिस पर एना उसको साफ इनकार कर देती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है कुछ बच्चे एना को परेशान करने लगते हैं, जिनसे परेशान होकर वो मजबूरन उनको रोकने के लिए घर के बाहर निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एना ब्लैकआउट होकर नीचे गिर जाती है। पर जब एना की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने घर में होती है, जिसके सामने बैठी होती है मिसेज रसल यानी कि जेन। जेन और एना दोनों काफी देर तक बात करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करती है, जहां बातों ही बातों में एना जेन को बताती है कि उसको एगोरोफोबिया है। एगोरोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सामने वाले इंसान को बाहर और अननोन एनवायरनमेंट में जाने से एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। एना के साथ भी यही हुआ था जब वो उन बच्चों को भगाने बाहर गई थी और इसी वजह से उसको पैनिक अटैक आया और वो बेहोश हो गई। जेन और एना दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। वैसे यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये सारे इवेंट्स जो एना के साथ हो रहे हैं, ये डे वाइज घट रहे हैं, जैसे कि आज ट्यूसडे है, जिसके बाद अब हम एलिस्टर रसल को देखते हैं जो जीन का हस्बैंड है। एलिस्टर एना से मिलने उसके घर आता है। उसको बस ये जानना है कि उसकी फैमिली से कल शाम क्या कोई उससे मिलने आया था, जहां बातों ही बातों में एना एलिस्टर को ये बता देती है कि कुछ दिनों पहले इथन उसके लिए कैंडल्स लेकर आया था, जिसे जानकर एलिस्टर थोड़ा सा नाराज होता है, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म है कि ये फैमिली थोड़ी सी तो वियर्ड है। आज वेंसडे है और रोज की तरह ही एना अपने कुछ ना करने के शेड्यूल को फॉलो कर रही होती है कि तभी एना को फील होता है कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है। वो 911 पर कॉल करती है, जिनको वो अपनी डिटेल्स बता ही रही होती है कि तभी उसको पता चलता है कि वो तो डेविड है, जिससे डरकर उसने 911 पर कॉल कर दिया। डेविड एना का किरायेदार है, जिसके बाद एना पुलिस को सॉरी बोलकर फोन काट देती है। एना डेविड से पूछती है कि तुम रसल्स के यहाँ पर काम कर रहे हो क्या, जिस पर डेविड बोलता है कि हाँ, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक इश्तेहार दिया था, इसीलिए मैं उनके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अब एक बार फिर से हम एना को अकेले अपने घर पर देखते हैं, जिसे अचानक ही जेन के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो डरकर पहले तो एलिस्टर को कॉल करती है, जो उसका कॉल पिक नहीं करता, जिसके बाद वो इथन को कॉल करके पूछती है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हारे घर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, तुम ठीक तो हो ना?
जिस पर इथन डरते हुए बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, जिसके बाद वो फोन काट देता है। एना हड़बड़ाहट में जेन को उसके घर से बाहर जाते हुए देखती है, जिसके तुरंत बाद एना को एलिस्टेयर का कॉल आता है। वो गुस्से से एना से पूछता है कि तुमने मुझे फोन किया था क्या? एना बोलती है कि हाँ मैंने आपके घर से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी, जिस पर एलिस्टेयर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं और सिर्फ मेरा बेटा है। अब इससे पहले एना कुछ और बोल पाती, एलिस्टेयर फोन को काट देता है। ये सिचुएशन एक्चुअली में बहुत वियर्ड है, क्योंकि एना ने सच में किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। एना अपने घर की विंडो से एलिस्टेयर के घर में झांक रही होती है, जहां पर वो एलिस्टेयर के हाथ में एक हैमर यानी कि एक हथौड़े को देखती है। एना उस हथौड़े को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एना और ज्यादा छानबीन करने के लिए अपने DSLR कैमरे का इस्तेमाल करती है। वो ये सब कंफर्म करने के लिए डेविड से भी पूछती है कि क्या तुमने सड़क के उस पार से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी, जिस पर डेविड उसको ये कहकर मना कर देता है कि मैं तो म्यूजिक सुन रहा था। अब एना अपने DSLR कैमरे की मदद से एलिस्टेयर के घर में झांकने लगती है, जहां वो बहुत ही अजीब अजीब चीजें नोटिस करती है। वो इथन को देखती है जो डर कर उसके घर की तरफ ही आ रहा होता है। वो तुरंत इथन के लिए गेट खोलती है। एना उससे पूछती है कि इथन आखिर तुम्हारे घर हो क्या रहा था, जिस पर इथन एना को बताता है कि एलिस्टेयर बुरा आदमी नहीं है, वो तो बस टेंशन में है, जिसके बाद एना उसको गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। एना इथन को अपना नंबर भी देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें वहाँ पर जरा सा भी डर लगे तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है, जिसके बाद हम एना को उसकी एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हुए देखते हैं, जो अपने डॉक्टर से बात कर रही होती है। उसका डॉक्टर यानी कि काल उसको बताता है कि तुमने मुझे एक मैसेज भेजा था, लेकिन एना हैरानी से मना कर देती है कि मैंने तो तुमको कोई मैसेज नहीं भेजा। एना एक बार फिर से अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर देती है। वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वो अपने होशो आवाज दोनों खो देती है। वो पागलों की तरह अपना फोन ढूंढने लगती है, जो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद एक बार फिर से वो अपना कैमरा उठाती है और सामने वाले घर में झांकने लगती है, जहां इस बार उसको ऐसा कुछ दिखता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जेन को खून से लथपथ देखती है, जिसके पेट में चाकू लगा होता है। वो तुरंत अपने फोन को ढूंढकर उससे 911 पर कॉल करके बोलती है कि किसी ने जेन को, जो उसके घर के सामने रहती है, उसे मार डाला। एना घबराहट में जेन को बचाने के लिए भागती है, पर उसकी बीमारी की वजह से वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब एक बार फिर से एना को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होती है, जहां कुछ डिटेक्टिव्स भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम डिटेक्टिव लिटिल है। वो एना से सवाल पूछता है, जिस पर वो उनको बोलती है कि जेन कहां पर है, क्या वो ठीक है। लेकिन इससे पहले कोई कुछ वहां पर बोल पाता, एलिस्टर वहां पर पहुंच जाता है। वो एना को बोलता है कि बातें बनाना बंद करो, तुम मेरी बीवी से कभी नहीं मिली हो, ये फालतू की कहानियां क्यों बना रही हो। एना बोलती है कि वो मेरे घर आई थी, हमने खूब बातें करी थी, लेकिन एलिस्टेयर पुलिस के सामने मना करने लगता है, जिस पर एना बोलती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब सबको साबित करने के लिए एलिस्टेयर जेन को बुलाता है, जो एक्चुअली में वो जेन नहीं है जो एना से मिली थी। एना बोलती है कि ये जेन नहीं है, जिस पर वो इथन को बुलाने को कहती है, लेकिन इथन भी वहां पर आकर यही कहता है जो उसके डैड बोल रहे थे कि आप मेरी मॉम से कभी नहीं मिली। एना को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो सब वहां से चले जाते हैं। एना अपने हस्बैंड को कॉल करके सब बताती है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। आज दिन है फ्राइडे। एना एलिस्टेयर की वाइफ जेन को इंटरनेट पर ढूंढने लगती है, जहां उसे उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एलिस्टेयर के बारे में वो जरूर कुछ जान जाती है। एलिस्टेयर एटिक्सन न्यूयॉर्क में काम करता था, जहां फोन करने पर उसको पता चलता है कि वो यहां पर अब काम नहीं करता। उसको सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है। एलिस्टेयर की प्रोफाइल चेक करते वक्त उसे एक पैमेला नाजिम नाम की औरत के बारे में पता चलता है, जिसकी कुछ दिन पहले ब्रुकलिन में मौत हो गई थी। पैमेला एलिस्टेयर के साथ काम क्या करती थी, वो आगे छानबीन करती है, जहां पर उसको पता चलता है कि पैमेला एलिस्टेयर की असिस्टेंट थी। चीजें और भी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डेविड के पास जाकर उससे पूछती है, जहां उसे डेविड के बारे में पता चलता है कि डेविड ने उससे झूठ बोला है। दरअसल वो अपनी पैरोल पर बाहर आया हुआ है, जिसे जानने के बाद फिर भी एना सिर्फ उससे जेन के बारे में पता करने की कोशिश करती है, जिस पर डेविड गुस्से से मना कर देता है कि मैं किसी जेन से कभी नहीं मिला, मुझे परेशान मत करो। अब सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है जिसमें डेविड भी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। एना को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो एक बार फिर से रसेल्स के घर के अंदर झांककर फोटोज निकालने लगती
होती है, जहां वो इथिन और नकली जेन की कुछ फोटोज लेती है। लेकिन वो लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। एना एक बार फिर से डेविड के पास जाती है, लेकिन उसे इस बार डेविड के बेडरूम में कुछ मिलता है। उसको वहां पर जेन का वही वाला इयररिंग मिलता है जो जेन ने उस वक्त पहना हुआ था जब उसकी मुलाकात एना से हुई थी। ये कहानी अब और भी ज्यादा उलझती जा रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस्टेयर एना को उसकी फैमिली से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि एना बार बार इथन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी नींद और उसका आराम सब कुछ उड़ चुका था। आज संडे है, जहां एना इथन को अपने घर से निकलते हुए देखती है, जिसके बाद उसे अननोन आईडी से एक मेल आता है जिसमें उसी की पिक्चर होती है। वो उसे देखकर डर जाती है। वो फौरन डिटेक्टिव लिटिल को कॉल करके घर बुलाती है, जहां एलिस्टेयर भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो डिटेक्टिव लिटिल को बताते हैं कि एना ने उनका जीना हराम कर दिया है। इसी बीच वहां पर डेविड भी आ जाता है, जिससे एना पूछती है कि जेन का इयररिंग तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा था। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एना बिना इजाजत के डेविड के बेडरूम में गई थी। डेविड बोलता है कि वो इयररिंग उसकी दोस्त कैथरीन का है, ना कि किसी जेन का, जिससे मैं मिला भी नहीं हूँ। अब वहाँ सिचुएशन और भी ज्यादा अजीब हो चुकी थी। एना लगातार एलिस्टेयर और डेविड पर इल्जाम लगाती रहती है। वो बार बार बोलती रहती है कि इथिन को हमारी मदद की जरूरत है, ये आदमी उसको मारता है, हमें उसको बचाना चाहिए। वो अपना आपा खोने लगती है, जिस पर एना अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड के बारे में सबको बताती है, जहां पर पहली बार हमको ये पता चलता है कि एना की फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है। वो बार बार अपनी फैमिली को हेलुसिनेट करती रहती है, जिनकी मौत की जिम्मेदार वो खुद है। एना की फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब इन सब चीजों से एना की मेंटल कंडीशन के बारे में पता लगाना काफी आसान हो गया था। एना एक्चुअली में अपने ट्रॉमा में है, जो शायद सब चीजों को अज्यूम कर रही है। उसका डॉक्टर कार्ल भी उसको यही समझाता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। एना को भी समझ आ जाता है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने डॉक्टर कार्ल को बोलती है कि मैं अब सब कुछ सही कर दूंगी, जिसके बाद सीन कट होता है। आज संडे है, एना सब कुछ सही करने के बारे में सोच रही होती है, जहां पर वो अपने फोन में एक फोटो को देखती है, जिसमें उसे एक ग्लास के ऊपर जेन की परछाई दिखती है। वो बहुत खुश होती है ये जानकर कि वो पागल नहीं है और वो जो बोल रही थी वो सही था। वो डेविड को बुलाकर उसकी फोटो को दिखाती है, जिस पर डेविड उसको बोलता है कि वो जेन नहीं बल्कि केटी है, जो इथिन की असली माँ है। डेविड बोलता है कि वेंसडे को उसने मेरे साथ रात गुजारी थी और इसी वजह से उसका इयररिंग मेरे रूम में था। एलिस्टेयर उसे इथन से मिलने नहीं देता था, क्योंकि जब इथन उसके पेट में था तब वो घर छोड़कर भाग गई थी। एलिस्टेयर उसको हर जगह ढूंढता रहा, जहां पूरे 2 साल के बाद उसे केटी बहुत बुरे हाल में मिली। एलिस्टेयर इसी वजह से इथन को केटी से दूर रखता था। एना डेविड से पूछती है कि तुमको इतना सब कुछ कैसे पता, जिस पर वो बोलता है कि केटी ने ही मुझे सब कुछ बताया था। वो औरत एकदम पागल है, इसलिए मैंने अगले ही दिन उसको घर से निकाल दिया था। डेविड इतना सब कुछ कहकर वहां से जाने लगता है। एना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसकी एक नहीं सुनता। इसी जल्दबाजी में एना गलती से अपना लैपटॉप गिरा देती है, जिसकी स्क्रीन टूट जाती है। वो उसे देख ही रही होती है कि तभी उसको डेविड के चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे डेविड को किसी ने मार दिया हो। वो डेविड चिल्ला रही थी, जहां उसे अंधेरे से एक परछाई अपनी ओर आते हुए दिखाई देती है, जिसके हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू होता है। और जब वो परछाई रोशनी में आती है तो उसको देखकर एना के होश उड़ जाते हैं। डेविड को मारने वाला इंसान इथिन था, जो बिल्कुल एक मेनिया की तरह बिहेव कर रहा था। वो बोलता है कि डेविड को तो मरना ही था, क्योंकि उसने मेरी माँ के साथ रात गुजारी थी। इथिन एना को डराने की कोशिश करता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे इथिन को कोई मानसिक बीमारी हो। केटी यानी कि अपनी मॉम को मारने वाला इंसान भी इथिन था। इथिन एक सीरियल किलर है। पैमिला को मारने वाला भी इथिन था, जो एलिस्टेयर की असिस्टेंट थी। एना को मेल करने वाला, उसको पागल बनाने वाला, सब इथिन था। अब इथिन एना को मारने की कोशिश करता है, जहां एना अपना बचाव करते हुए उसके ऊपर एक बोतल से वार कर देती है। एना वहां से भागने की कोशिश करती है। वो भागते हुए डेविड की बॉडी के पास आती है। डेविड भी अभी मरा नहीं था। वो इथिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इथिन बड़ी ही बेरहमी से घायल डेविड को एना के सामने ही मार डालता है। एना ये देखकर छत की तरफ भाग जाती है, जहां इथिन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो एना को एक नुकीले हथियार से घायल कर देता है। घायल एना
अपने आप को बचाने की खूब कोशिश कर रही होती है और इसी कोशिश में ईथन छत से नीचे गिरकर मारा जाता है। एना भी घायल होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जिसके पास डिटेक्टिव लिटिल आता है। वो उसे बताता है कि जो भी तुमने देखा या फिर कहा वो सब सच था, तुम सही थी एना। हमें केटी यानी कि कैथरीन की लाश भी मिल गई है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। अब हमें कहानी 9 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां हम एना को देखते हैं जो काफी सही लग रही होती है। वो अपना घर छोड़कर जा रही है, उसने अपनी बीमारी को ओवरकम कर दिया है, मतलब कि अब एना बिल्कुल ठीक है। गुड बायस हमेशा बहुत हार्ड होते हैं, एना के लिए भी ये मोमेंट काफी हार्ड रहा होगा, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि एना की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।